सभी ने आईएसआईएस का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक समय पर इस आतंकी संगठन ने पूरे मिडिल ईस्ट सहित अमेरिका तक में अपने आतंक का लोहा मनवा रखा था। बट फिलहाल के दिनों में आतंकी संगठन काफी कमजोर हुआ था, पर अब इसे फिर से एक नई ताकत मिल रही है। जब से अफगानिस्तान में एक अस्थिर तालिबानी सरकार आई है, इस आतंकी संगठन के हौसले पहले से कई ज्यादा गुना और बढ़ गए हैं। इसी का कारण है कि इसने पूरे विश्व भर में रहने वाले शिया मुसलमानों को एक खुली धमकी दी है। जी हाँ, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दी फुलझड़ी। आईएसआईएस ने अपने मुखपत्र अल नबा में खास तौर पे शिया मुसलमानों के खिलाफ खुली चेतावनी दी है। उन्होंने शिया मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा है कि बगदाद से लेके खुरासान तक जहां भी शिया मुसलमान मिलेंगे उन पर हमले किए जाएंगे, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में हाल ही में शुक्रवार को एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाकों में 60 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इस बम धमाके की पूरी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। आईएसआईएस इससे पहले भी इराक और सीरिया के अंदर शिया मुसलमानों को टारगेट बना चुका है। यही नहीं, 8 अक्टूबर को हुए एक और आत्मघाती हमले के अंदर 100 से ज्यादा शिया मुसलमानों की मौत हुई थी। 8 अक्टूबर को हुए सैयद अबाद मस्जिद में बम धमाके की जिम्मेदारी भी आईएसआईएस ने ही ली थी। जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई है, आईएसआईएस ने वहां पे छुटपुट घटनाओं से लेकर बड़े आत्मघाती हमले किए हैं। इससे कुछ समय पहले ही जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक और दूतावास वापस अमेरिका लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाका हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी भी आईएसआईएस ने ली थी। भारत को आईएसआईएस के मजबूत होने से बेहद बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे पहले भी जब आईएसआईएस मजबूती से इराक और सीरिया में अपनी पकड़ बना रहा था तो केरल में रहने वाले ज्यादातर युवाओं ने इसको ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी काफी खतरा बढ़ गया था। अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है और वहां में बढ़ती अस्थिरता भारत के लिए भी काफी खतरनाक है, क्योंकि पहले ही भारत पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा व आतंकवाद को लेके काफी तनाव की स्थिति में रहता है। तो ऐसे में अगर अफगानिस्तान में आईएसआईएस की पकड़ मजबूत होती है तो इससे भारत में रहने वाले शिया मुसलमान ही नहीं अभी तो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी खतरा काफी बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए तो फुलझड़ी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इस खबर पे अपना सुझाव जरूर रखें कि आईएसआईएस की खुली चुनौती के बारे में आप क्या सोचते हैं। ऐसी बेहतरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।